अंदर हमने एक रोल पेश करना है, और वो रोल जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्लिव जॉफ था, उसने ये रोल पेश किया। पेश करने का मकसद था, वो यही मकसद था कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्कट्स हमारे जिंदगी में आ जाते थे कि जिसको हम आम सिंपल यानी सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल किस्म का कि जॉब ने अपने दो रूल्स पेश करके उस हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। और उसने जो रूल पेश किए उनमें से फर्स्ट लॉ जो है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और उस रूल को हम कहते हैं कि जॉब फर्स्ट लॉ, जिसके दो तीन नाम और भी हैं, जिसमें कि जॉब करंट रूल भी कहते हैं, कि जॉब जंक्शन रूल भी कहते हैं, और कि जॉब नॉर लॉ भी कहते हैं। यानी इसके लिए कुछ हम रूल जो है, इसके दो से तीन नाम जो है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्कट इज जीरो। यानी एक सर्कट है हमारे पास, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्कट है, और उस सर्कट के अंदर कोई सोर्स और कोई सिंक हमने जिस हिस्से को हमने सपोज किया है, उस हिस्से के अंदर कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है। तो उस सर्कट के अंदर जितने भी करंट एक पॉइंट पे आके मिल रहे होंगे और जितने भी करंट जो है उस पॉइंट से दूर जा रहे होंगे, उन सब का अगर हम सम लेंगे तो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी आसान अल्फाज में एक सर्कट के अंदर एक जंक्शन के अक्रॉस तमाम के तमाम करंट का सम जो है वो जीरो होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सर्कट, मैंने कोई सा बड़ा सा सर्कट था, उसमें एक मैंने छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखा है। यानी काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का ढेर सारा सर्कट है, उसमें हमने एक छोटा सा हिस्सा जो है उसने एक्सप्लेन कर दिया है, और वो हिस्सा सिर्फ सिर्फ चार वायर्स पर मुश्तमिल है, और ये सारी सारी वायर्स जो है हमें एक पॉइंट की तरफ आके मिल रही है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट का नाम दे देना है नोड का या जंक्शन का नाम दे देना है, और इस जंक्शन के क्रॉस देखना है कि कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जो है इस पॉइंट से कभी जा रहा है। तो जो करंट इसकी तरफ आ रहा है उसको मैंने I1 कह दिया, और वो करंट जो इसकी तरफ आ रहा है इसको I2 कह दिया। और इस तरह इस वायर से करंट अवे जा रहा है, इस करंट अब वायर से करंट अवे जा रहा है, तो हमने इसको भी नेगेटिव ले लिया और इसको भी नेगेटिव ले लिया। तो एक कन्वेंशन है, एक जो जॉब ने हमें एक्सप्लेन करके दिखाई कि अगर अवे करंट होगा तो उसको हमने नेगेटिव देना है, और अगर टुवर्ड्स करंट होगा तो हमें उसको पॉजिटिव देना है। तो हमने क्या किया कि रूल के मुताबिक सम ऑफ करंट हमने इस पॉइंट पे जीरो लेना है। शायद मैं बार बार बता रहा हूँ कि शायद यही है कि इस पॉइंट पे ना ही सोर्स हो और ना ही क्या हो, सिंक हो, तो इस सर्कट के अंदर इस पॉइंट पे जो सम ऑफ करंट है वो हमेशा जीरो होगा। तो उस कंडीशन के मुताबिक मैंने किया कि I1 और I2 जो है जो कि इस पॉइंट की तरफ आ रहा था, तो हमने दोनों का पॉजिटिव ले लिया और उनका सम कर लिया। और I3 और I4 जो कि अवे जा रहा था, तो हमने उन दोनों का सम तो किया, मगर निशान कौन सा लगाया? माइनस लगाया। तो माइनस इधर जाके और माइनस जाके जीरो की इक्वल जाके प्लस हो गया, तो I3 प्लस I4 इधर बन गया और I1 प्लस I2 इधर बन गया। अगर इस इक्वेशन को गौर करें तो ये इक्वेशन हमें एक्सप्लेन कर दिया कि टोटल करंट जो एक पॉइंट की तरफ आ रहा है वो बराबर है टोटल करंट इस पॉइंट से अवे जाने वाले करंट की। एक और स्टेटमेंट में लिख दिया कि जो है पास लगा दी कि जो पास लगा दिया वो सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये सारा का सारा करंट जो इस पॉइंट की तरफ आ रहा होगा वो बराबर होगा सारा का सारा करंट जो इस पॉइंट से अवे जा रहा होगा। और ये बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर जितना मर्जी आप चार्ज एंटर करोगे उतना ही चार्ज है वो बाहर निकल जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास जब कुछ पाइप है, एक पाइप में पानी आ रहा है, उस पाइप के रस्ते में दो पाइप और लगा देता हूँ, तो जाहिर जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी का रहेगा, दोनों चार्ज दोनों पाइप से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करंट फॉलो करता है कि जितना करंट में जितना चार्ज पीछे सेंटर होता है उतना ही चार्ज क्या करता है आगे वाली वायर से या आगे वाली पाइप से। इसके अंदर अगर हम कुछ पाइप का इतना कॉम्बिनेशन देते हैं कि एक पाइप है उसमें से चार्ज आ रहा है या करंट आ रहा है, तो आगे हम उसके रस्ते में दो पाइप और लगा दें, तो उसमें से जितना चार्ज आएगा उतना ही क्या करेगा बाहर निकल जाएगा। तो वो ऑब्वियस फैक्ट है कि जो कि करंट मोस्टली वाटर की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। अगर हम देखें फ्लो के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि जितना करंट पॉइंट से तरफ आएगा, जितना करंट जितना वाटर होता है इसकी तरफ आ रहा है उतना ही दो पाइप से बाहर निकल के, तो ये ऑब्वियस फैक्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करेगा। तो उसके लिए जैसे आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है जो आपको मैथमेटिकली तौर पर समझा दें कि कैसे जो है लॉ शुरू होता है। तो देखो जरा कि मैंने एक पाइप ली, एक पाइप जो है एक मैंने कुछ वायर्स का मजमुआ लिया, आप देख सकते हैं कि मैंने वायर इस तरह लगाई है। ठीक है, तो इस वायर में अगर हम देखें तो करंट आ रहा है 5 एम्पीयर का, मैं स्मॉल ले लेता हूँ करंट है। ठीक है, तो मैंने इसे चार्ज ले लिया कि ये पॉइंट है, ये जंक्शन है, इसकी तरफ 5 एम्पीयर करंट आ गया। मगर मैंने यहाँ से एक और वायर लिया जो 2 एम्पीयर करंट लेकर आ रही है और इस पॉइंट की तरफ लेकर आ रही है, तो हमारे जो जॉब के मुताबिक ये वाला भी प्लस होगा और ये वाला भी प्लस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो टुवर्ड्स द करंट होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जाहिर है कि ये प्लस है और ये भी क्या होगा? प्लस है, क्योंकि इस नोड के मुताबिक दोनों क्या आ रहे हैं? करंट उसके नोड की तरफ आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव दे देंगे। तो ये क्या आगे करंट जो है हमारे पास 5+2, यानी अगर हम इसको पूरा लिखें तो इस पॉइंट की तरफ आने वाला करंट 5+2 इक्वल क्या है? 7 है। ठीक है, अगर इसी तरह अब चूंकि मैंने आगे दो वायर दी है, एक करंट आगे जा रहा है इस तरफ, एक करंट निकल जा रहा है, हम जानते हैं कि ये सिर्फ आगे तरफ जा रहा था, इस पॉइंट से अवे जा रहा था, तो हमने लिया कि अवे करंट हमेशा नेगेटिव होता है। और इस तरह ये जो करंट इधर आ रहा था ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो जाहिर है ये क्या है? -6 है, रूल के मुताबिक, कन्वेंशन के मुताबिक, और ये क्या है? -1 है। तो -1 और -6 क्या हो जाएगा?
-7। अब हम ये जो करंट होगा करते हैं इस पॉइंट को टोटल करंट कितना है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट की तरफ जो करंट आया था टोटल कितना था 7 था। इस पॉइंट से इस पॉइंट के तरफ जो करंट था हमने उसको पॉजिटिव किया और टोटल 7 था। इस पॉइंट से जो अभी करंट निकला उसको हमने -7 दे दिया क्योंकि कन्वेंशन के मुताबिक उसको क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे। तो कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ करंट हमने देखा तो जाहिर सी बात है ये अभी ये वाला वेव फ्रॉम द पॉइंट था और ये टू वर्ड का पॉइंट था, तो हमने क्या किया 7 प्लस -7, तो हमारी कंडीशन के मुताबिक कौन सा भी क्या आ गया 0। देखिए जो लॉ के मुताबिक हमने एक्सप्लेन कर लिया ये टोटल करंट जो है वो कितना हम निकाल सकते हैं किसी भी वायर से कैसे निकालते हैं। तो ये आपके जो फर्स्ट आता उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। वेरी वेरी थैंक यू।